वेलकम ममास टू माय द्विजा। माय द्विजा पे आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट डिलीवरी ममा का मसाज कैसे होना चाहिए और इससे जुड़े सारे सवाल, क्या मसाज लेना चाहिए, अगर मसाज करना चाहिए तो कौन से टाइप के डिलीवरी की बात करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर हेल्प है तो कैसे होगा, हेल्प नहीं है तो सेल्फ मसाज कैसे करेंगे, मसाज के लिए कौन सा तेल यूज़ करना है, मसाज के पहले मसाज के बाद आपका शेड्यूल क्या रहेगा। सो ये सारे क्वेश्चन के जवाब हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। याद रखना, ये वीडियो एंड तक पक्का देखना, बिकॉज हम लोग एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया शेयर करने वाले हैं जिससे आप लोग पोस्ट डिलीवरी के बाद अपनी बैक का, अपने हाथ पाँव में जो मुंगी आती है उस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, मसाज क्यों लेना चाहिए, हम लोग मसाज क्यों लेते हैं, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी स्पा, बहुत दुख रहा है, आई थिंक एक बॉडी मसाज तो बनता है, वाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज माइट बी वी आर टायर्ड, वी आर ड्रेड, ज़्यादा काम पड़ा है, कोई फंक्शन हुआ है जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भागा दौड़ हो गई है, देन वॉट डज मसाज डस टू यू, इट मेक्स यू फील रिलैक्स एंड रिज्यूविनेटेड। एग्जैक्टली सेम चीज़, डिलीवरी के बाद आपका बॉडी काफ़ी चेंजेस से गुजरता है, व मेजर चेंज इज आपका रात में नींद ठीक से नहीं हो रहा है, विच यू आर नॉट यूज टू, आप एक कमरे में बंद हो, विच यू आर नॉट यूज टू, आप कमरे में बंद होने के साथ साथ एक रूटीन में फिक्स हो जो आप हर रोज कर रहे हो, योर ब्रेस्ट फीडिंग, योर क्लीनिंग सुसु पॉटी एंड योर रेस्टिंग, बाकी एज सच डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट देयर मच, लाइक आप मूवी देखने जा रहे हो, मॉल में घूमने के लिए जा रहे हो, अपने विश के हिसाब से पार्लर जा रहे हो, विश के हिसाब से फ्रेंड से चिट चैट कर रहे हो, ये सारा रूटीन आपका चेंज हो गया है, तो यू जेन्युइनली फील ड्रेड, टायर्ड, लोग पक जाते हैं घर में बैठ बैठ के, चिड़चिड़ होता है। ऑन द अदर हैंड, यू आर गोइंग थ्रू अ ह्यूज हार्मोनल टर्मोइल। व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनल टर्मोइल? सडनली हार्मोन्स स्टार्ट सेटलिंग बैक, बिकॉज हार्मोन्स का क्वांटिटी और उसका फंक्शनिंग बहुत डिफरेंट होता है जब भी आप प्रेग्नेंट हो, और सडनली बिकॉज बेबी इज आउट, एवरीथिंग विल ड्रॉप इन इट्स अमाउंट, सो इट्स इफेक्ट, एंड दिस ट्रांजिशन बॉडी नीड्स टू गो थ्रू। इसके बहुत सारे इफेक्ट हो जाते हैं, फिजिकली अ गर्ल फील ड्रेन एंड टायर्ड, मेंटली एंड इमोशनली शी फील्स वीक, आपको लो फीलिंग आता है, आपको ऐसा लगता है आई एम नॉट अ गुड मदर, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मैं मेरे लाइफ में वापस रिज्यूम करूँगी अपने काम या नहीं रिज्यूम कर पाऊँगी, क्या मेरा लाइफ अभी ऐसा ही बन के रह जाएगा, एम आई अ फेल। फिर द थर्ड रीज़न इज़ योर वेट, आप जब भी मिरर में देखते हो यू लुक ओवर वेट, आपके ब्रेस्ट बड़े हैं, आपका पेट लटक रहा है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस आप गाउन, स्वेटर, स्कार्फ पहन के घूम रहे हो, दिस ऑल्सो एड ऑन टू यू फीलिंग ड्रेन एंड टायर्ड। सो टेकिंग मसाज इन अ राइट साइंटिफिक वे कैन एक्चुअली हेल्प टू कम आउट ऑफ दिस फीलिंग लो एंड डल। वन मोर बेनिफिट, सो दिस वाज़ द पर्सनल बेनिफिट, वन मोर बेनिफिट ऑफ मसाज इज आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सैगिंग है, पेट के यहाँ पे सैगिंग है, ब्रेस्ट के यहाँ पे सैगिंग है, हिप्स के यहाँ पे सैगिंग है, तो अगर मसाज सही तरीके से हुआ तो ये सारा सैगिंग भी कम करने के लिए आपको बहुत हद तक हेल्प हो सकता है, इसीलिए मसाज करना है। अगर आपके घर में हेल्प अवेलेबल है, मौसी आ रही है, मम्मा आपके लिए मसाज करने वाली है, या कोई और लाइक एल्डर सिस्टर, भाभी हु इज़ गोइंग टू गिव यू मालिश, देन गो अहेड। अगर आपके पास सराउंडिंग में अवेलेबल है कोई मालिश वाली बाई, कोई मौसी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड जो एक्सपर्टाइज होते हैं, जो बोलते हैं मैं तो 20 सालों से यही काम करते आ रही हूँ, मैं तो 10 सालों से यही काम करते आ रही हूँ, देर आर स्पेशलाइज्ड पीपल हु आर ट्रेन्ड फॉर गिविंग मसाज, आप उनको हायर कर सकते हो। अगर आप ऐसे लोकेलिटी में रहते हो या ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे आप और किसी को हायर नहीं कर सकते, देन यू नीड टू गेट इन टू सेल्फ मसाज। सो सेल्फ मसाज कैसे करना है, मैं जो भी ट्रिक्स और स्ट्रोक्स आपको बता रही हूँ वही आप मौसी को भी बता सकते हो या मेड को बता सकते हो जो आपको मसाज करने के लिए आ रहा है, एंड दिस एडिंग ऑफ दिस फ्यू स्ट्रोक्स कैन मेक यू एक्चुअली फील वेरी रिलैक्स। अभी के लिए आई डोंट हैव एन अनादर वुमेन विथ मी जिसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको पोस्ट डिलीवरी गर्ल जिसके ऊपर मैं आपको मसाज दिखा सकूंगी, सो आई एम हियर कॉलिंग माई एल्डर डॉटर सिया। Hi Sia, can you please come in? By the way, for all of you, she is my little girl. She is 9 years old. But on her, I'll be able to show you all the strokes जो आपको खुद के ऊपर भी आप कर सकते हो
और आपको कोई और भी करे तो आप उसको एज अ वेरिएशन ऐड कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. सो सिया, कैन यू जस्ट फेस टूवर्ड्स मी. अभी कुछ बहुत बेसिक चीज़ें समझ लीजिए आप. मसाज के लिए क्या तेल यूज़ करना है. यस, देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको तेल सूट ही नहीं होता है, उनका स्टोरी अलग है. आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर लो. अगर आपको सूट होता है, यू शुड आइडियली यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल. विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल इज़ कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल एंड इसेंशियल ऑयल. दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. अगर आप में से किसी को मायद्विजा के प्रोडक्ट्स को एक्सेस है, विच आर अवेलेबल ऑन अमेजॉन एंड www.maidwija.com, वी हैव मदर्स मसाज ऑयल एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन बूमिंग. सो मसाज ऑयल बेसिकली क्या दिमाग में रख के आपको कॉम्बिनेशन करना है. इट शुड मेक हर फील रिलैक्स मेंटली. इट मस्ट मेक हर फील रिलैक्स फिजिकली एंड एट द सेम टाइम इट मस्ट हेल्प हर टू गेट टोन्ड. तो इन सब चीज़ों के लिए मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, प्लीज़, हर एक के घर में सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट. किसी किसी घर में हेड मसाज अलाउड होता है सो दैट यू कैन डू हेड वॉश द नेक्स्ट डे. किसी किसी घर में अलाउड नहीं होता है. अगर आपके घर में अलाउड है तो आप हेड मसाज से स्टार्ट कर सकते हो. याद रखना, बहुत सारा तेल डाल के उसको एकदम चिप्पू चिप्पू करना, इट्स नॉट द थिंग. सो आपको बेसिकली आपके हाथ में तेल लेना है. सो आई एम गोइंग टू शो यू बोथ द थिंग्स. अगर शी इज़ द पोस्ट डिलीवरी गर्ल जिसके ऊपर मसाज करी, तो आपको कॉटन से तेल लेना है और आपको ऐसे मांग मांग में भरते जाना है तेल. सो अगर मैं खुद के लिए करी, सो आई जस्ट टेक इट एंड आई फिल इट इन. और फिर आपको जेंटल, देर शुड बी अ मसाज खुद के लिए भी. ये जेंटल मसाज आपको क्यों करना है? इट विल इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इट विल फ्री यू फ्रॉम स्ट्रेस एंड वरीज, एंड एट द सेम टाइम समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज दैट इट विल गिव अ वेरी गुड हेल्थ टू हेयर. सो जस्ट आपको सब जगह पे ऐसा करना है. एंड वंस यू आर डन, यू जस्ट प्रेस इट जनरली जस्ट विद द टिप ऑफ योर फिंगर्स. यू जस्ट प्रेस द हेड. शी इज गिविंग अ लिटिल गर्ल, इवन शी मस्ट बी एंजॉइंग. इट्स फीलिंग गुड. Yeah, she is telling it's feeling good. So you just press it for yourself and that will actually make you feel good. Next thing, neck and shoulder is one area jo 100% aap dukh raha hai. Because aap breastfeeding ke liye bacche ko le rahe ho, so ke akhad gaye ho and you actually feel a lot of pressure in this area. Ye aisa ragad ragad ke massage ki zarurat nahi hai. To be very frank, the massage should be a gentle press. So you start from neck. सो बेसिकली नेक के ऊपर से यू गो टिल शोल्डर. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नेक, यू गो टिल शोल्डर. खुद के लिए करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम नेक, गो टिल शोल्डर. स्टार्ट फ्रॉम नेक, गो टिल शोल्डर. स्टैंड फ्रॉम नेक, गो टिल शोल्डर. सी ऑल द थ्री लेवल्स, एट द शोल्डर लेवल एंड द लिटिल बिहाइंड. सो एट द शोल्डर लेवल एंड लिटिल बिहाइंड. सो इट्स ऑन द शोल्डर्स एंड इट्स लिटिल बिहाइंड. यहाँ तक आपका खुद का हाथ जा सकता है. फॉर बैक, द वे आई सेड, इफ़ यू हैव हेल्प टेक देयर हेल्प. अगर आपके पास हेल्प नहीं है तो आप आपके हस्बैंड की, मम्मा की, मदर इन लॉ, किसी की हेल्प ले सकते हो. सो जस्ट टेक ऑयल, यू जस्ट अप्लाई इट ऑन द बैक इन सर्क्यूलर मोशन एंड विथ फिंगर्स यू जस्ट आस्क देम टू डू दिस. आई एम जस्ट डूइंग अ माइल्ड सर्कल्स. सो जस्ट माइल्ड सर्कल्स, जस्ट माइल्ड सर्कल्स. दिस विल एक्चुअली रिलैक्स द एंटायर बैक. ओके, ये एक एरिया है जहाँ पे आप खुद का मसाज देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन डू. सी, इफ आई हैव टू डू द सेल्फ मसाज, आई टेक ऑयल एंड आई जस्ट अप्लाई दिस पार्ट आउटसाइड, स्ट्रोक्स आउटसाइड, स्ट्रोक्स आउटसाइड. देन एट लोअर बैक आई एम जस्ट मसाजिंग आउट 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 एंड यहाँ पे आई एम जस्ट डूइंग दोज माइल्ड सर्कल्स. अगर हेल्प अवेलेबल नहीं है तो खुद को. Then we come to hands. So हाथों को मसाज कैसे देंगे? हाथों को आपने तेल लिया, just massage, just massage. If she is there, then it's just general massage. अगर आप लोगों में से किसी ने बच्चे के मालिश का वीडियो देखा हुआ है तो it's almost exactly same. सिर्फ प्रेशर चेंज हो जाएगा, आपको जितना बेयर होता है उस हिसाब से just a gentle massage. This is called milking the cow. गाय का दूध निकालने के जैसा मसाज है. So it feels good. Exactly same again like a baby massage. कपड़े निचोड़ने के जैसा मसाज. And it feels very nice. हाँ, स्ट्रोक कितना करना चाहिए, मसाज कितनी देर के लिए होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. सो इफ यू हैव अ हेल्प जो आपको मस्त आधा घंटे का स्पा दे रहा है, वेरी गुड, गो अहेड. आपके पास हेल्प नहीं है, सो एटलीस्ट वन एंड हाफ मिनट एट एवरी प्लेस यू फीलिंग रिलैक्स, दैट्स फार बेटर एंड वेरी हेल्पफुल.
देन दूसरा हाथ, दूसरा हाथ होने के बाद बिफोर यू गो ऑन अ फ्रंट एरिया यू कैन मसाज योर फेस. फेस के लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट. सो वी स्टार्ट विद द फोरहेड. इट इज जस्ट जेंटल प्रेस प्रेस प्रेस. सी फॉर दिस लिटिल वन इट्स वेरी डिफरेंट व्हाट आई एम डूइंग विथ हर. दैट्स ओके. द नेक्स्ट गोज आईब्रोज. सो आईब्रो के ऊपर जस्ट प्रेस प्रेस. इनफैक्ट ये खुद का करना बहुत आसान हो जाता है. सो जस्ट प्रेस विद द टिप्स इफ पॉसिबल विद द थंब एंड देन यू डू पिंचिंग एट द आईब्रो. सो जस्ट पिंच 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 एंड प्रेस. जस्ट पिंच 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 एंड प्रेस. ट्रस्ट मी इट विल मेक यू फील वेरी रिलैक्स और आपको इतना अच्छे से नींद आएगा मसाज के बाद जिसका कोई लिमिट नहीं है. द नेक्स्ट थिंग विच इज एक्चुअली गेटिंग टायर्ड. कुछ लोगों का जॉ दुखता है बहुत काम करने के बाद. कुछ लोगों का जॉ दुख रहा है कि कुछ कर नहीं रहे एंड यू फीलिंग बोर्ड एंड टायर्ड. सो यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट डू द जॉ मसाज. सो जस्ट अ जेंटल जॉ मसाज. जस्ट अ जेंटल जॉ मसाज. कुछ लोगों का वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है तो ट्रेंड टू गो थ्रू सैगिंग. तो आपको क्रीम या मॉइस्चराइजर लेके जस्ट हैव टू मसाज अपवर्ड्स. सो इन हर केस इट जस्ट मसाजिंग अपवर्ड्स. दिस कैन एक्चुअली हेल्प. सो आई एम जस्ट मसाजिंग अपवर्ड्स. सो नाक के यहाँ से नीचे एंड अपवर्ड्स. सो नाक के यहाँ से नीचे एंड अपवर्ड्स छे एंड अपवर्ड्स. सो डन विद द फेस मसाजिंग. चेस्ट नीड्स टू बी मसाज नाउ बिकॉज दिस इज द लिटिल गर्ल. आई विल बी शोइंग यू ऑल ऑन मी बिकॉज ब्रेस्ट इज वन एरिया विच इज फिल्ड विद मिल्क एंड इट डज गो थ्रू सैगिंग बिकॉज वहाँ पे वेट गेन होता है जैसे जैसे दूध भर रहा है. तो आपको चेस्ट एरिया में ऊपर के एरिया में इट कैन बी जस्ट अ प्लेन मसाज बट ब्रेस्ट एरिया में इट शुड बी अ अपवर्ड मसाज. सो वन मोर वे ऑफ मसाजिंग इज दैट ब्रेस्ट को दूसरे हाथ में पकड़ो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट. याद रखना कभी भी ब्रेस्ट पे मसाज अप टू डाउन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज अ क्लॉक वाइज एंड एन एंटी क्लॉक वाइज मोशन नीचे से ऊपर. सो मसाज फ्रॉम नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर. याद रख डूइंग दिस मसाज ऑन योर ओन इज ऑलवेज बेटर. एडवांटेज ऑफ दिस आप ये करते हो तो ऑब्जर्व ही कर सकते हो क्या कहीं पे कुछ लंप लग रहा है आपको, कहीं पर रेडनेस है, कहीं पे आपको दुख रहा है. बट एट एनी कॉस्ट आपको ऊपर से ऐसे डाउनवर्ड्स मसाज नहीं करना है. उससे ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सैग हो जाएगा. ओके. इन केस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी ब्रेस्ट के नीचे मतलब स्टमक मसाज इज स्ट्रिक्ट नो नो फॉर 40 डेज. फिर भी आपके डॉक्टर से ये वाला बात कंफर्म कर सकते हो. अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है तो यस यू कैन गेट स्टार्टेड विथ योर स्टमक मसाज ऑल्सो. याद रखना स्टमक इज सैगिंग, वो नीचे लटक रहा है. ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर स्टमक मसाज शुड बी एन अपवर्ड मसाज. सो फ्रॉम डाउन टू अप डाउन टू अप डाउन टू अप. देन द नेक्स्ट वे ऑफ डूइंग स्टमक मसाज इज अ सर्क्यूलर मसाज. सो सर्क्यूलर सर्क्यूलर. सो बेसिकली आप हाथ को फ्लैट रखे यू आर मेकिंग सर्कल्स ऑन द स्टमक विच इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ अवॉइडिंग सैगिंग. अगर आपको खुद का खुद मसाज करने का टाइम आता है सो इट गोज अपवर्ड मसाज एंड देन सर्कल्स लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट. अगेन द वे आई सेड 5 to 10 स्ट्रोक्स एंड इट शुड बी गुड इनफ. देन यू शिफ्ट टू योर थाइज. सी थाइज इज वन एरिया जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेन रहता है. सो वी मसाजिंग द थाइज एग्जैक्टली लाइक हैंड्स मिल्किंग द काउ. मस नीचे से ऊपर तक नीचे से ऊपर तक दोनों पाव. हेल्प नहीं है आपका खुद का खुद बैठ जा. इफ यू हैव टू डू मसाज ऑन योर सेल्फ कैन यू डू इट जस्ट डू इट. वेरी गुड वेरी गुड. बहुत अच्छे से कर पा रहे हो. अगर आपका सीजेरियन डिलीवरी है तो शायद से इतना बेंड नहीं हो पाओगे. यू कैन जस्ट बेंड योर लेग एंड देन डू तो बहुत आराम से मसाज हो जाएगा एंड यू विल फील वेरी गुड एट द एंड ऑफ इट. देन यू कैन जस्ट डू द फुट मसाज. अगर आपको लगता है ऐसा कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन जस्ट फोल्ड योर फीट एंड देन डू द मसाज. सी दिस. सो जस्ट मसाज 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 द फुट and then just move all the fingers and just massage with your thumb and you are done. yahi agar main iske liye help hu to I will do it for her. so that's how exactly the massage goes. now supposedly aapka normal delivery nahi hai cesarean delivery hai to bhi aap ab tak maine jo bhi massages bataye right after your discharge घर पे आके जेंटल स्ट्रोक में कर सकते हो. ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स डोंट अलाउ बाथिंग फॉर फर्स्ट 10 डेज. फ्यू ऑफ देम अलाउ आफ्टर 6th और 7th डे डिपेंडिंग ऑन योर डॉक्टर.
अगर नहाना अलाउड है तो ऑब्वियसली आप मसाज करके नहाने के लिए जा सकते हो। नहाना अगर अलाउड नहीं है तो आपको गर्म पानी में कपड़ा भी निचोड़ के अच्छे से स्पंजिंग करके पोंछ के निकालना। नाउ नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू शो यू ऑल कि मसाज के बाद का आपका शेड्यूल कैसे होना चाहिए। फिर आपके नहाने के बाद आपको सेक लेना है। सी क्या सेक लेना चाहिए और सेक लेने का ट्रेडिशनल तरीका प्लस मॉडर्नाइज तरीका आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट विथ सो मेनी ऑफ देम द थिंग हियर इज हम लोग के पास द्विजा का धूपदानी या धूप पाउडर भी नहीं है। फिर हम लोग के पास प्रॉपर ट्रेडिशनल सेक लेने के लिए कोयला काउडंग ये चीज़ें भी नहीं है। मतलब हम लोग को सेक लेना ही नहीं है क्या, और हम लोग कैसे सेक ले सकते हैं? सो लेट्स अंडरस्टैंड हम लोग कैसे सेक ले सकते हैं। बात सेक लेना जो कंपलसरी बोलते हैं, यहाँ पे एकदम मस्त आउट ऑफ द बॉक्स आईडी, ये तवा है जो यूजुअली इंडियन कम्युनिटी से अगर आप हो तो 100% आपके घर पे रहेगा। रूटीन लोखंड का तवा है ये, बाकी कुछ नहीं इसमें। तो आपको इस तवे को गैस के ऊपर मस्त सुपर हॉट गर्म करना है। ऑब्जर्व दैट इट हैज़ अ हैंडल बेटर, अगर हैंडल नहीं है तो आपको उसको कपड़े से बहुत ज़्यादा अच्छे से होल्ड करना है। एक बार ये बहुत गर्म हो गया देन व्हाट यू नीड टू डू, ये बोरी है जो मेरे घर में पड़ा हुआ था, मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में अगर बोरी नहीं है तो आप कोई भी थिक बेडशीट, थिक टर्किश टॉवेल या कोई पुराना कपड़ा अगर आपके घर में, विच इज़ अ थिक कपड़ा, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर रख के रैप करना है और तवे को उल्टा रख देना है। अभी उल्टा रखते हो तो याद रखना, अगर आप उसको फ्लोर पे रखोगे तो फ्लोर पे उसके दाग पड़ सकते हैं, बेड के ऊपर रखोगे तो बेड के ऊपर भी दाग पड़ सकता है। तो थिक बेडशीट या कोई भी थिक बैठने का चीज़ आप नीचे रख सकते हो ताकि फ्लोरिंग या बेडशीट कुछ ख़राब ना हो, और उसके ऊपर रखना है। एंड दिस इज़ हॉट तवा, मैंने तवे को उल्टा रख दिया और उसके ऊपर बोरी को डाला है। द वे आई सेड बेडशीट और टॉवेल, सिया कैन यू जस्ट कीप योर 1 feet ऑन दिस। बेसिकली तवा जब भी गर्म है और अगर आपका डिलीवरी हुआ है तो आपके हाथ पाँव में मुंगी आना, हाथ पाँव सुन होना, हाथ पाँव अखड़ जाना, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। एंड माई मदर इन लॉ एंड माई ग्रैंड मदर इन लॉ सेज इट सो वेल, डिलीवरी के बाद सेक लेने से आपका रिकवरी बहुत फास्ट होता है। तो ये एक थोड़ी देर के लिए, फिर ये पाँव हटा दो। बाय द वे पर्सनली आई डिड इट 2 days back, तवे को गर्म करके सेक लिया एंड इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। डू इट टू योर फीट। ये होने के बाद याद रखना आपको पाँव में सॉक्स डाल देना है ताकि वो हीट थोड़ी देर के लिए बॉडी में रहे। नेक्स्ट थिंग, सिया सिट डाउन, यू विल पुट योर हैंड्स ऑन दिस। तो आपको आपके फुट का सेक, फिर हाथ को मस्त गर्म करना है। सी द वे आई सेड, ये थोड़ा ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा और बेडशीट डाल सकते हो। ऑब्वियसली ये आइडिया बच्चों के लिए नहीं है, ये आइडिया मम्मा लोगों के लिए है ताकि थोड़ा सा हॉट फर्मेंटेशन से आपको और अच्छा फील हो सके। सो दिस इज़ डन, मालिश, मालिश के बाद नहाना, नहाने के बाद ये सब चीज़ें कर रहे हो। अभी आ गया बैक का सेक। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी तवे को आई एम जस्ट शिफ्टिंग। गर्म तवा है, तवा उल्टा रख दिया है। आपको हाथ पाव की वजह से अंदाज है कि आपको इसके ऊपर का कवरिंग कितना थिक होना चाहिए। सो आई जस्ट मेड हर सिट, थोड़ा सा गैप रख के मैंने तवा रख दिया है। याद रखना डंडी नीचे है एंड आई एम गोइंग टू मेक हर स्लीप। सिया कैन यू प्लीज स्लीप, ब्यूटिफुल, इट फील्स गुड एट बैक, कैन यू जस्ट डू थम्स अप। सी इसके लिए बिकॉज शी इज 9 year old, उसका बैक का रेंज भी छोटा है कंपेयर टू हमारे लिए, बैक का रेंज भी बड़ा है। सिया कैन यू जस्ट योर सेक, आई एम शोइंग दिस बैक के नीचे रख के व्हेन आई एम स्लीपिंग। ये गर्म है तो जन्नत ही हो जाएगी, ये गर्म नहीं है तो भी ये मेरे बैक को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहा है। वंस यू गेट यूज टू दिस, आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट करके आपके हिसाब से ले सकते हो। सपोज यू वॉन्टेड एट द टेलबोन, तो आप थोड़े से ऊपर सरक जाओ इफ़ यू आर कम्फर्टेबल, सेक ले लो। थोड़े से नीचे सरक जाओ इफ़ यू आर कम्फर्टेबल, आप सेक ले लो। यूजुअली ये चीज़ आप नॉर्मल डिलीवरी के डिस्चार्ज के बाद इमीजिएटली शुरू कर सकते हो। अगर सीजर है तो आपको इसके लिए एटलीस्ट स्टिचेस सूखने तक रुकना पड़ेगा। सो ऑन द 10th or 11th day व्हेन डॉक्टर गिव्स यू सिग्नल कि बाबा स्टिचेस सूख गए हैं, अभी आप शुरू कर सकते हो। दैट टाइम यू कैन यूज दिस तवे का आइडिया जो हम सबके घर में होता है। वन मोर थिंग दैट पीपल वेर आस्किंग मी, जो धुआ करते हैं सेक लेते हैं वो भी हम लोग ले सकते हैं क्या इसके साथ? यस, सेम तरीके से तवे को गर्म कर दो, नीचे रख दो, इसके ऊपर आप इसके ऊपर ही अजवाइन वगैरह डाल दो और थोड़ा सा धुआं ले लो, स्टिल इट कैन बी गुड। यू मस्ट सी दैट वीडियो अबाउट क्या डिलीवरी के बाद सेक लेना चाहिए जो माई द्विजा चैनल के ऊपर है। मैं उसको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अटैच भी कर दूंगी ताकि आप लोग देख सको।
अगर कोई आउट ऑफ इंडिया है या आपके पास ऐसा टाइप का तवा नहीं है, यू कैन यूज अ फ्राइंग पैन और अ प्लेन पैन दैट यू हैव गॉट, बट दैट विल एक्चुअली हेल्प. ये हो गया आपके मसाज के रिलेटेड ऑल द लवली आइडियाज, कैसे करना है, कौन सा तेल यूज करना है, कितने स्ट्रोक्स करने हैं, कितनी देर के लिए जाना है. आइडियली मम्मा को मसाज कितनी देर दिनों तक लेना चाहिए, 40 डेज आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज उसके बाद आई थिंक किचन वर्क विल स्टार्ट, यू गोइंग आउट विल स्टार्ट, योर वजाइनल रिकवरी इज ऑलरेडी डन एंड ऑलमोस्ट यू सेट इन टू अ रूटीन एज अ मदर. बट तब तक बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस, दीज थिंग्स विल एक्चुअली हेल्प यू टू फील बेटर एंड टू फील रिलैक्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रखना, मसाज करना, अच्छे से गर्म पानी से नहाना, फिर सेक लेना. अगेन, किसी के पास तवा भी नहीं है, पैन भी नहीं है, ये भी नहीं कर सकते आप, तो यू कैन टेक अ हॉट वाटर बैग और थोड़ा सा हाथ के ऊपर से एक, फुट के ऊपर से एक, बैग के ऊपर से एक ले सकते हो. इलेक्ट्रिक बैग, हॉट वाटर बैग भी नहीं आपके पास तो आप इलेक्ट्रिक बैग जो होता है उससे भी थोड़ी देर के लिए सेक ले लो, ताकि हाथ पाँव में मुंगी नहीं आएगा एंड यू विल फील फार बेटर. नहाना हो गया, सेकना हो गया, रेस्ट हो गया. याद रखना 11 से लेके 12 के बीच में जो सन होता है उसमें सन बाथ लेना इज मस्ट फॉर यू एज अ मदर एंड एज वेल एज फॉर योर चाइल्ड. प्रिफरेबली सियाने जैसे कपड़े पहने थे, शॉर्ट्स और टी बैग टाइप अगर आप कुछ पहन सको जब भी आप सन बाथ लेते हो तो इट्स ऑलवेज बेटर. अगर नहीं पहन सकते तो कुछ ऐसा पहनो, समथिंग व्हाट आई एम वेयरिंग, प्लाजो टाइप, जो आप टेरिस पे जाके प्लाजो को थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो. सी, जितना एक्सपोज करोगे स्किन को उतना आपका विटामिन डी इम्प्रूव होगा, आप जो भी खा रहे हो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से अवेलेबल रहेंगे, आपको पेन कम होगा और इन सब चीज़ों का इफेक्ट एनहांस हो जाएगा. ठीक है, विथ ऑल दिस थिंग्स, हैविंग अ राइट डाइट आफ्टर डिलीवरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर पोस्ट डिलीवरी केयर, पोस्ट डिलीवरी रिकवरी, जिसके बारे में हम लोग वीडियो कर चुके हैं, वो भी पक्का फॉलो करना है. ऑल ममाज, अगर आपको ये मसाज करके बहुत अच्छा लगता है, प्लीज पुट इट इन कमेंट बॉक्स, और हर उस नई मम्मा के साथ शेयर करना जिसको ये मसाज टेक्निक से बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो हमारे लिए बनता है, एंड डू प्लीज क्लिक ऑन टू द सब्सक्राइब बटन. इफ यू वॉन्ट टू बी ट्रेन बाय दिस पर्टिकुलर चाइल्ड बर्थ एजुकेटर श्रेया शाह, यस, प्लीज ड्रॉप इट इन कमेंट बॉक्स और डू विजिट www.maidhuja.com. वी टेक सेशंस एट पुणे, मुंबई, पिंपरी एंड ऑनलाइन फॉर कपल्स हु आर एक्सपेक्टिंग, हु आर प्लानिंग फॉर बेबी, हु हैव डिलीवर्ड एंड आर रेडी टू इंट्रोड्यूस सॉलिड्स टू देम. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग माई द्विजा एंड बाय.